नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला आज एक बार पुनः बहुत दिनों बाद मैथ्स की क्लास में आपके सामने मैं आया हूं। पर मैथ्स को हमें फिर से अपने सर पे चढ़ाना है, अपनी आत्मा में बसाना है और मैथ को एक बार फिर से खुश करना है, ताकि कॉन्सेप्ट आपके मैथ का आपके दिमाग में, आपके सर में, आपके दिल में और आपकी आत्मा में समा जाए। इसी के साथ सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, सभी को शुभ संध्या। मैथ की ये डेमो क्लास है। डेमो क्लास किसके लिए, ये मैं बता दूं, यूपीएसआई के लिए। टारगेट बैच का मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपके लिए टारगेट बैच लॉन्च किया हूं। पीटी का मैंने वादा किया था, पीटी बैच लॉन्च किया हूं। और इसके साथ साथ जो मैथ्स का आपका इंडिविजुअल बैच था, उसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिला के आपके लिए लॉन्च होगा, जो इसीलिए बीच में उस बैच को हटा लिया गया था, क्योंकि अब बहुत सारे यूपीएसआई के बच्चे हैं जो जीएस के किसी बड़े कोर्स में जुड़े हैं, तो उन्हें जीएस उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो केवल और केवल इंडिविजुअल मैथ और रीजनिंग ले सकते। सभी का भाई स्वागत है। तो एक बार क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि जो ये पहली क्लास होगी, ये डेमो पर्पस से है। जैसा कि आप लोगों ने अपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, ये डेमो क्लास किसकी होगी, मैथ्स की होगी। और मैथ्स में जो सर्वप्रथम चैप्टर है वो नंबर सिस्टम का होगा, यानी कि संख्या पद्धति का ये आपकी क्लास होगी। ये क्लास मैं पहले क्यों रख रहा हूं, संख्या पद्धति को मैं पहले क्यों रख रहा हूं, इस चीज को यहां पर समझते हैं। पहले संख्या पद्धति रखने का कारण यह है कि आपका चाहे यूपीएसआई हो, चाहे आपका पीईटी सामने लगा है, हालांकि पीईटी में मैथ बहुत कम है, उस हम ज्यादा फोकस यूपीएसआई को करेंगे, या आप किसी अन्य किसी ऐसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जहां पे मैथ्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछा जाता है, तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न होते हैं वो किसके होते हैं, नंबर सिस्टम के होते हैं। तो एक क्लास जहां पे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने हैं, उसके बारे में हमें बहुत सारी चीजें यहां पे पता होनी चाहिए। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? दूसरी बात, हमें एक रणनीति पता होनी चाहिए। मैथ है बहुत बड़ा, कारण क्या है, उसमें हर प्रश्न एक अलग तरीके से लगता है। जीएस ऐसा नहीं है कि आप एक चैप्टर पढ़ो उससे 50 प्रश्न बन सकते हैं। मैथ्स ऐसा है कि प्रत्येक प्रश्न का अपना ही जलवा होता है, प्रत्येक प्रश्न का अपना ही स्तर हो सकता है, प्रत्येक प्रश्न अपनी एक औकात लेके चलता है। तो हर प्रश्न को हमें कैसे समझना है और क्या ऐसे पढ़ लेना है कि वो सारे प्रश्नों को गिरा दे, सारे प्रश्नों को आपसे वहां पे लग जाए और आप सारे प्रश्नों को जो उसका अंक है वो अपने झोली में एग्जाम में डाल के चले आओ। वो पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति क्यों इतना जरूरी है, क्योंकि ये केवल नंबर सिस्टम लिख रहा है, लेकिन इसके अंदर हम समझेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर है। तो जो सबसे पहला चैप्टर है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब कि ये हुआ कि आपके जो बेसिक डेफिनेशंस होते हैं, परिभाषाएं होती हैं, क्या होती हैं, परिभाषाएं होती हैं मैथ में। परिभाषाएं होती हैं तो किसकी होती हैं, परिभाषाएं होती हैं आपके ऐसी संख्याओं का, जैसे आपका प्राकृतिक संख्या, जैसे आपका होल नंबर हुआ, जैसे आपका डेसिमल हुआ, दशमलव संख्याएं, जैसे आपकी भाज्य संख्याएं, जैसे अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये सब संख्याएं हैं क्या, ये जानना जरूरी है। इन पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो वो सारा चीज कहां से कवर हो जाएगा, आपका क्लासिफिकेशन से कवर हो जाएगा। जय श्री कृष्णा, राम राम, गुड इवनिंग, शुभ संध्या सभी को। जो भी लोग यहां पे आ गए हैं, सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से क्लास को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने हित मित्र नात रिश्तेदारों के बीच में। गपशप करेंगे, लेकिन उससे पहले आप यहां पे चीजों को समझ लो। क्लासिफिकेशन, परिभाषाएं, इससे जस्ट बाद में जो हमारी टॉपिक शुरू होगी वो परिभाषाओं में कुछ बच जाएगा, वो होगा इवन ऑड। इवन ऑड मतलब कि सम संख्याएं और क्या विषम संख्याएं, इनकी परिभाषाओं से भी प्रश्न बनता है, इनके कॉन्सेप्ट से भी प्रश्न बनता है, इनकी मैथमेटिकल रीजनिंग से भी प्रश्न बनता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके दिमाग को घुमा तक देता है। नाम केवल सम विषम है, नाम केवल बहुत छोटा है, लेकिन इसके प्रश्न बहुत अच्छे बन जाते हैं, तो यहां पर हमें समझना है। इसके बाद हमारा अब तो सारी चीजें शुरू होगी। हम यहां पे प्राइम नंबर को देखेंगे, जिसे आप अभाज्य संख्या बोलते हो। क्या बोलते हो, अभाज्य संख्या बोलते हो। इन्हें देखेंगे कि आखिर अभाज्य संख्याएं क्या है। कंपोजिट नंबर देखेंगे, और इसे देखने के बाद जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी,
इसके बाद से हम लोग मैथ के कोर कॉन्सेप्ट पे आएंगे, हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, हम लोग यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, हम लोग रिमाइंडर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हम लोग फैक्टराइजेशन के बाद एलसीएम एससीएफ पढ़ेंगे, उन पे तमाम क्वेश्चन करेंगे, और इसके बाद आपका चैप्टर आएगा इंडिसेस और सॉल्ट, जो दूसरा चैप्टर बोला जाएगा सिंप्लीफिकेशन। कायदे से ये सिंप्लीफिकेशन भी आपका किस चैप्टर के अंतर्गत आएगा, नंबर सिस्टम के ही अंतर्गत आएगा, लेकिन किताब में और एग्जाम दोनों अपने सिलेबस अलग अलग लिखते हैं, तो क्योंकि सिलेबस वैसा बनता है इसलिए किताबों में अलग इसका टॉपिक ही दिया जाता है। कायदे से अगर ये सब जान गए तो सिंप्लीफिकेशन आपको ऑलरेडी पता हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। चलो तो नंबर सिस्टम हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो ऊपर चला गया। अब हम लोग बहुत एकदम कंसंट्रेटेड हो जाओ सभी लोग, मेरे ख्याल से मतलब भर के लोग जिन्हें भी आना था आ गए हैं, जो एक बार ना आए हो उन्हें दोबारा बुला लो कि यहाँ पे हम लोग क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और नंबर सिस्टम सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति पढ़ेंगे, और नंबर सिस्टम में सबसे पहला जो होगा वो क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। मतलब हम ये पढ़ेंगे कि डिफरेंट जो टर्म होते हैं उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं, ये चीज हम अच्छे से पढ़ेंगे। इतनी बात सभी को समझ में आ गई, हनी सिंह की तरह, हाँ बहुत बढ़िया। चलो तो क्लासिफिकेशन क्या है, क्या है क्लासिफिकेशन मुझे कौन बताएगा? अभी अगर मैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को बोलूं तो सबसे पहले मैं आपको यह समझाना चाहूंगा, इस चैप्टर का रोल है क्या आपके मैथ्स में और आपकी लाइफ में, दोनों में इस नंबर सिस्टम का रोल क्या है। नंबर मतलब संख्याएं, और संख्याओं का जो एक गणित है, संख्याओं का एक जो लॉजिक है, संख्याओं का एक जो पैटर्न है, उसके सिस्टम को क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं, उसको पद्धति बोलते हैं, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम बोलते हैं। अगर हम देखें जब से मैथ की इजाद हुई, मैथ की इजाद इसलिए हुई कि फिजिक्स के काम को आसान बनाने के लिए। फिजिक्स हम देख सकते हैं, मैथ्स हम देख नहीं सकते, मैथ्स हम अप्लाई करते हैं उस फिजिक्स को प्रूफ या डिसप्रूफ करने के लिए, उस फिजिक्स को सत्य या असत्य हम उसे प्रूफ करने के लिए मैथ का प्रयोग करते हैं। और उस मैथ के प्रयोग में सबसे पहला आया क्या आया, नंबर्स आया। नंबर्स का प्रयोग हमें सबसे पहले इसलिए आया क्योंकि हमें संख्याओं की गिनती करनी थी, हमें लोगों की गिनती करनी थी, हमें चीजों की गिनती करनी थी। हम तारों को गिन नहीं पा रहे थे लेकिन ग्रहों को गिन ले रहे थे, हम चांद को गिन ले रहे थे, हम पेड़ों को गिन ले रहे थे, तो हमारे पास एक डिनोशन होना चाहिए था जो हर जगह पूरे विश्व में मैटर करे, वो था हमारा क्या, नंबर सिस्टम। लेकिन जैसे जैसे गणितज्ञ लोग आते गए, जैसे जैसे डिफरेंट ज्ञानी पुरुष आते गए, उसको क्लासीफाई करते गए, उसका पार्ट डिवाइड करते गए, और कुछ ज्ञानी पुरुष बोले कि भैया ये जो नंबर है ये क्या है, या तो रियल नंबर है जिसे आप क्या बोलोगे, वास्तविक संख्या है। मैं अंग्रेजी में लिखता चलूंगा, हिंदी में बोलता चलूंगा, बाइलिंगुअल क्लास चलेगी, परेशान नहीं होना है, समझते हुए चलना है। रियल नंबर बोले, वास्तविक संख्याएं बोले, और कुछ को इमेजिनरी नंबर बोले। क्या बोले, इमेजिनरी नंबर बोले, अवास्तविक संख्याएं बोले। अब नाम अपने आप को बता रहा है, नाम क्या बता रहा है कि भैया वास्तविक संख्याएं जो वास्तव में हो और अवास्तविक संख्याएं जो वास्तव में ना हो। तो फिर नंबर वास्तव में होता है, कभी आप नंबर को देखते हो, नंबर को छू पाते हो, नंबर को स्मेल कर पाते हो, नंबर को महसूस कर पाते हो, नहीं कर पाते हो। नंबर तो डिनोशन ही है ना, सब कुछ तो इमेजिनेशन ही है, फिर रियल नंबर क्या आ गया, मुझे कौन बताएगा। यहां पे आप लोग भी यहां पे उत्तर प्रत्युत्तर करते चलो, मैं भी आपको चीजों को समझाते हुए चल रहा हूं ताकि चीजें अच्छे से करेंगे। सर चैप्टर वाइज कराओगे, मैं एग्जैक्टली चैप्टर वाइज चलेगा। सोनू जी पूरी की पूरी मैं बता दूं, पीईटी वाले चाहे यूपीएसआई वाले चाहे मैथ्स इंडिविजुअल वाले, एक एक चैप्टर ये पहली क्लास है, और बहुत विद्वत से एक बार फिर से हम लोग बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ इसको कवर करेंगे। गर्मी ज्यादा लग रही है, कल ही मैं एसी टंगवा रहा हूं, परेशान मत होइएगा, आप लोग थोड़ा पसीना झेल लीजिएगा, स्मेल आप तक नहीं जाएगी, केवल आपको वहां पर चमकता हुआ चेहरा दिखेगा। ठीक है, पीडीएफ के कुछ क्वेश्चन नहीं लगते हैं तो आप व्हाट्सएप कर दिया करें, मैं बता दिया करूंगा। चलो तो रियल नंबर वास्तविक संख्याएं कहलाई, और वास्तविक संख्याएं इसके टर्म में, किसके टर्म में, मैथ्स के टर्म में क्या हुई, यहां पे आप ऊपर समझिएगा, वो सारी संख्याएं जो नंबर लाइन पे डिनोट की जा सके, कौन सी, वो सारी संख्याएं जो इस नंबर लाइन पे रख सकते हैं। नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन जैसे ये पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में सारी चीजें हैं, ऐसे ही मैथ्स का जो ब्रह्मांड है ये नंबर लाइन है, और इस नंबर लाइन पे कोई संख्या आ गई तो उसे क्या बोलेंगे, ये क्या है, रियल नंबर है। जैसे आप इस चीज को समझने की कोशिश करना।
क्या समझने की कोशिश करना कि ये आपकी नंबर लाइन है और ये बीच में बड़ा सा जीरो है। जैसे जैसे चीजें उधर चलती चली जाएंगी, भाई जीरो से हम कहां पे स्टार्ट करेंगे, वन पे, दो पे, तीन पे, चार पे, पांच पे, और ऐसे ऐसे हम बढ़ते चले जाएंगे कि नीचे चले जाएंगे। तो ये सारी संख्याएं हम नंबर लाइन पे डिनोट कर रहे हैं और कहां तक जाएंगे, मैंने एक सिंबल दिखाया है, किसका, इन्फिनिटी का, अनंत का सिंबल आपके सामने दिखाया है। हाँ चलो, तो ये क्या हो गया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होता क्या है मुझे कोई बताए, ये इनफाइनाइट यहां पे आ गया है, इसे अंग्रेजी में लिखते हैं इनफाइनाइट, हिंदी में बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, थोड़ा छोटा सा लिख रहा हूं लेकिन समझने की कोशिश करो, क्या बोलते हैं इसे, अनंत बोलते हैं। तो आखिर कोई चीज अनंत होती क्या है, ये जवाब आप दे दोगे फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो यहां पर बताओ क्या होता है, अनंत क्या होता है, थोड़ा सा बताओ। आपके यहां ठंडी पड़ रही है, अच्छा चलो इसका उत्तर बताएं, किसी पे भी भेज दीजिए, मेरे तक मैसेज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सोनू जी। हाँ यूपीएसआई और एसएससी जीडी के लेवल का मैथ पढ़ाया जाएगा सतनाम जी, बहुत अच्छे से, पूरी क्लास बहुत अच्छे से करिए, बहुत अच्छी क्लास चलने वाली है। मुझे ये बताइए, आप लोग बताइए कि ये इन्फिनिटी क्या है, इनफाइनाइट क्या है, एक नंबर है या नंबर नहीं है, मुझे क्या बताएं। जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो उसे इन्फिनिटी बोल गया, अनलिमिटेड डेटा। तो ये क्या कोई नंबर है, मैं ये पूछ रहा हूं, इन्फिनिटी क्या कोई नंबर है, इन्फिनिटी क्या कोई नंबर है, और अगर नंबर नहीं है तो क्या है, नंबर नहीं है तो क्या है, समझे। इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, ये फीलिंग है, ये इम्पॉसिबिलिटी है जो बताती है कि जो चीज आपके हाथ में नहीं है। आप बढ़ते चले जाओ, आप बढ़ते चले जाओ, संख्या बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी, इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई जिसके लिए नापने के लिए आपके पास संख्या नहीं है, जिसको आपको मेजर करने के लिए आपके पास कोई यंत्र नहीं है, उसे क्या बोलेंगे, अनंत बोलेंगे, इन्फिनिटी बोलेंगे। ये एक फीलिंग है, नंबर नहीं है। बात समझ में आ गई, यहां पर अगर इतनी बात समझ में आ गई तो ऐसे ही ये हम इधर चल रहे। अभी जीरो से वन के बीच में भी तो बहुत सारी चीजें आप देखते हो, स्केल आपके पास पटरी होती है 15 सेंटीमीटर वाली, उसमें छोटी छोटी लाइन और देखते हो, तो आप यहां पे क्या होगा, ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ऐसे भी तो होगा। तो ये बीच में भी नंबर आ रहा है, ये भी, मैंने कहा वो सारी नंबर जो नंबर लाइन पे आ जाएगा क्या कहलाएगा, ये रियल नंबर कहलाएगा, वास्तविक संख्याएं कहलाएगी। यही नहीं, ये तो जीरो का दाहिना है, अगर हम जीरो को इधर मुंह करके खड़े हो तो ये दाहिना है, दाहिने पे सारी चीजें चलती हैं, तो ये प्लस में चलती हैं। हम अगर बाएं आएंगे, अगर ये प्रेजेंट है वो फ्यूचर है, तो ये पास्ट है, तो सेम चीज सेम घटनाएं होंगी, लेकिन किस में होंगी, माइनस में होंगी। और अंततः ये माइनस में भी माइनस इंफिनिटी कर दे तो ये भी हमारी क्या होगी, रियल नंबर होगी। हाँ मैथ अपने पल्ले नहीं पड़ती, पड़ेगी असलम जी, बहुत अच्छे से बस क्लास को इंजॉय करते चलिए। सीएचएसएल लेवल इसका कुछ नहीं है, जिस लेवल का मैं आपको पढ़ा दूंगा, परेशान मत होइए, ठीक है ना। तो ये माइनस, अब इसके बीच में भी ये 0.0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ऐसे कहीं बीच में आएगा, तो ये भी आपके वो चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, जो भी डेटा आपका किस पे आ गया, नंबर लाइन पे आ गया, वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, वो संख्याएं आपकी रियल नंबर कहलाएंगी। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई भाई, बताओ इतनी बात क्लियर हो गई। अगर आपने प्रण कर लिया है असलम जी तब तो नहीं आएगी, मैं क्लियर शब्दों में बोल रहा हूं, अगर आपने ठान लिया कि आपको मैथ नहीं आएगी तो जिंदगी में नहीं आएगी, लेकिन कोशिश करोगे, ये ठान लोगे कि मैथ कितनी भी बुरी हो जाएगी मैं उसे अच्छा बना लूंगा, उसे अपना लूंगा, तो वो आपको भी अपना लेगी, ये बात भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। चलो, तो हमने देखा कि जो हमारे गणितज्ञ थे वो दो नंबर में किए, एक तो हमारा रियल नंबर था, एक हमारा क्या था, इमेजिनरी नंबर था, अवास्तविक संख्याएं थी। तो रियल नंबर वो सारी नंबर जो नंबर लाइन पे आ जाए, अब नंबर लाइन पे जो ना आए वो क्या हो जाएगी, अवास्तविक संख्या हो जाएगी। जैसे आप ऐसे समझो, मैं इसे फिर से जूम करता हूं, ये मेरा वन हुआ, ये मेरा वन हुआ, अगर यहां पे 1.2 करें, 1.3 करें, हम मेजर कर सकते हैं, 1.3 मेजर कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं 1.33333333 ये बढ़ता चला जा रहा है, इसे कहां में कहां रखोगे, नंबर लाइन पे किस जगह पे रख दोगे, तो आप इसे रख नहीं पाओगे नंबर लाइन पे, और नंबर लाइन पे रख नहीं पाओगे तो आप क्या बोलोगे कि ये संख्याएं क्या है, अवास्तविक संख्याएं। ऐसा नहीं है, ये संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं हैं, इसे इस फॉर्म में नहीं रख पाओगे तो किसी और फॉर्म में रख लोगे,
बात समझ में आ रही है। इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में रख लोगे, लेकिन रख लोगे तो ये संख्याओं से कंफ्यूज मत होना, ये भी आपकी रियल नंबर होगी। तो इमेजिनरी नंबर क्या हो गई? इमेजिनरी नंबर आपकी हो गई जैसे ऐसी चीज जिसे मैथ माने ना। क्या नहीं मानता? मैथ कहता है कि कोई भी चीज अंडर रूट के अंदर क्या होती है? पॉजिटिव होती है। जैसे मैं अंडर रूट टू लिख सकता हूं, अंडर रूट थ्री लिख सकता हूं, अंडर रूट फोर यानी कि बराबर टू लिख सकता हूं, अंडर रूट फाइव लिख सकता हूं, अंडर रूट वन लिख सकता हूं, लेकिन मैं रूट के अंदर माइनस नहीं लगा सकता हूं, क्योंकि मैथ का यह कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैथ नहीं मानती, अगर आपने बोल दिया तो मैथ बुरा मान जाएगी, और मैथ बुरा मान जाएगी तो मैथ कभी नहीं आएगी। इस बात को आप अच्छे से समझ लेना, माइनस कभी भी अंडर रूट के अंदर नहीं हो सकता, और क्योंकि ये नहीं हो सकता इसलिए ये कभी भी नंबर लाइन पे नहीं आ पाएगी। ठीक है ना? ये आपके नंबर लाइन पे कभी नहीं आ पाएगा। इसकी वैल्यू आयोटा बोला जाता है, आई आपने सुना होगा, जैसे कई जगह आपने वेक्टर में देखा होगा 2+i3 ऐसा कुछ नंबर देखा होगा, 2+3i। तो ये आयोटा जो होता है, आई होता है, इसका मतलब होता है अंडर रूट माइनस वन। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करें तो आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन आती है। अभी सपोज करो कि कभी भी स्क्वायर किसी का निगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है। माइनस वन है, माइनस वन का स्क्वायर कर दोगे प्लस वन हो जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर कर दोगे फोर हो जाएगा, माइनस थ्री का स्क्वायर कर दोगे नाइन हो जाएगा, सब प्लस में आएगा, माइनस में कुछ नहीं आएगा। तो स्क्वायर किसी का निगेटिव कैसे हो सकता है? यही तो मैथ नहीं मान रही है। लेकिन हमारे कुछ गणितज्ञ, हमारे साइंटिस्ट चीजों को अपने अकॉर्डिंग बनाने के लिए, अपने हिसाब से सही करने के लिए उन्होंने क्या किया? इमेजिनेशन किया। क्या इमेजिनेशन किया? कि अंडर रूट माइनस वन को भी एक वैल्यू माना जाए, या कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड एक्सिस पे जाते हैं। जैसे आपकी कितनी एक्सिस होती है? तीन एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। आप इधर प्लॉट करते हो, इधर प्लॉट करते हो, लेकिन कोई चीज अगर जेड एक्सिस पे प्लॉट करते हो तो आपको इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है, आपको 3D डायग्राम में इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है, और फिर आप किसे कंसीडर करते हो? कॉम्प्लेक्स नंबर को कंसीडर करते हो। अल्टीमेटली कई जगह आयोटा आता है, कई जगह और भी टफ आता है। ठीक है ना? तो ये जो आपके नंबर नंबर लाइन पे नहीं हो पा रहे हैं, इन्हें आप क्या बोलोगे? ये आपके इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। हालांकि इमेजिनरी नंबर आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे? अभी यहीं पे देखेंगे और फिर भूल जाएंगे। क्या करेंगे? देखेंगे और भूल जाएंगे। ऐसे समझेंगे कि ये बेवफाई कर गया है, इसे छोड़ दो, इसे भगा दो, ये कुत्ता है, ये जो भी है, जो भी इसके साथ करना कर दो, इस पर पर्दा डाल दो, इस पर कपड़ा डाल दो, इस पर मिट्टी डाल दो। मतलब हमें किससे रहना चाहिए? केवल मतलब रहना चाहिए रियल नंबर से। ठीक है ना? चल, इतनी बात सभी को समझ में आ गई? हाँ, इतनी बात सभी को समझ में आ गई है। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो कुछ चीजें आपको और भी समझना है। क्या समझना है? कि यहां पे मैथमेटिशियन लोगों की क्वेंच इतना जल्दी हुई नहीं, उनकी जो प्यास थी मैथ्स की वो इतनी जल्दी बुझी नहीं, तो उन्होंने तोड़ना चालू रखा। किसे तोड़ना चालू रखा? रियल नंबर को। और रियल नंबर को फिर से तोड़े तो जब देख रहे थे कि ये यहां पे हम क्या रख रहे थे? डिजिट रख रहे थे। तो कुछ नंबर हमारे क्या थे? पॉजिटिव थे, जैसे इसमें पूरे थे 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर चल रहे थे, कुछ 0.1, 0.2, 0.3 कुछ ऐसे ऐसे नंबर भी दिखे थे, या फिर 0.3333 जहां पे उन्हें दिक्कत महसूस हुई थी नंबर लाइन पे रखने में। तो उन्होंने अपने अपने सुविधा के अनुसार नंबरों को क्लासिफाई कर दिया। जब पूरी पूरी संख्याएं दिख रही थी, उन्होंने उसे बोला कि ये क्या है? पूर्णांक है, और इसे बोले ये क्या है? इंटीजर्स है, यानी कि पूर्णांक है, जिसे किससे डिनोट किए भाई साहब? ये आई से डिनोट किए। और ऐसे नंबर जो यहां पे क्या हुए? हमारे पूरे नंबर नहीं थे, और जिसमें दशमलव लगा हुआ था, जिसे रखने में कठिनाई हुई, इसे क्या बोले? डेसिमल बोले। अच्छा, डेसिमल रखने में दिक्कत हो रही थी तो उन्होंने इसे डेसिमल नहीं रखा, उन्हें इसे क्या बोला? फ्रैक्शन बोला। फ्रैक्शन और डेसिमल सेम चीज है, बस परिभाषाएं अलग हैं, देखने का नजरिया अलग है, ऐसे आप समझते चलना। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ गई? इतनी बात सभी को मेरे ख्याल से क्लियर हो रही होगी। तो अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो रियल नंबर को दो पार्ट में तोड़ा गया, एक पूर्णांक में तोड़ा गया, एक फ्रैक्शन में तोड़ा गया।
इंटीजर को जब फिर से, अभी यहां पे नहीं हुआ, इंटीजर सारे क्या नंबर होते हैं, पूर्णांक होते हैं, जैसे एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, पांच हुआ, यही नहीं आपके माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ये सब भी आपके पूर्णांक हैं। तो ऐसे सारे नंबर जो पूरे पूरे हैं वो क्या हो गए, पूर्णांक हो गए। तो कुछ मैथमेटिशियन आए और इसे फिर तोड़े, और किस फॉर्म में तोड़े, एक को तोड़े पॉजिटिव इंटीजर प्लस का आई बोले, और एक का बोले निगेटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक बोले। लेकिन अभी मैं आपसे बोलूं, जब हमने नंबर लाइन को देख रहे थे, नंबर लाइन को एक बार देखिए, मैं जूम कर रहा हूं, नंबर लाइन को यहां पे देखिए, ये बीच में आपका बड़ा सा जीरो है, एक दो तीन चार पांच को हमने पूर्णांक मान लिया, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार को पूर्णांक मान लिया, तो जीरो आपका क्या है, पूर्णांक है कि नहीं, मुझे बताइए, मुझे बताइए अब ये प्रश्न आपके लिए कि जीरो पूर्णांक है कि नहीं है, ये जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताएं कि जीरो पूर्णांक है कि नहीं है, ये मुझे बताइए, जीरो को क्या माना जाए, कौन बताएगा, कौन यहां पे सबसे ज्यादा ज्ञानी है, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जीरो पूर्णांक है कि नहीं है, नहीं है, कौन कौन कह रहे हैं, मोनिका जी कह रही है नहीं है, आलोक पांडे जी कह रहे हैं यस, बताइए, जब आप बताएंगे तभी तो मुझे पता चलेगा आपको शुरुआत कहां से करनी है, कितना नॉलेज है कितना नहीं है, मैं आपको जज कर पाऊंगा, वो मेहनत मैं आपके पीछे कर पाऊंगा, जब आप जवाब दोगे तभी तो यहां पे संकोच नहीं करना है, कोई आपका फूफा मामा चाचा नाना यहीं बैठा है, यहां पे सब आपके दोस्त बैठे हैं, या तो मैं देख रहा हूं या तो आपके दोस्त देख रहे हैं, कोई रिश्तेदार नहीं जो हाँ जो आपने बता नहीं पाया, ऐसा कोई नहीं करने जा रहा है, बताइए जो मन में आ रहा है बक दीजिए, मुंह खोल के फेंक दीजिए, जो भी आ रहा है सब बताइए यहां पे। हाँ, कुछ बोले नहीं है, कुछ बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं है, आशीष शर्मा जी कह रहे हैं, दीपिका जी कह रहे हैं जीरो मतलब कुछ नहीं, सोनी जी कह रहे हैं ना, आरती देवी मौला जी कह रही हैं है, नहीं पता सर, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि नहीं भी पता है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बता दूं, भैया जीरो भी क्या है, पूर्णांक है, अब जीरो ही ऐसा पूर्णांक है जिसके साथ कोई दशमलव नहीं है, है ना, कि मतलब यही तो सबसे श्योर वाला पूर्णांक है, लेकिन ये ना तो धन पूर्णांक है ना तो ऋण पूर्णांक है, कहने का मतलब इंटीजर में मैंने जीरो को बता दिया, क्या आप इस बात से सहमत हो कि मैं जीरो को प्लस मानूं या माइनस, बहुत सारे बच्चे या आप ही नहीं जो अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार्क समझते होंगे ना, अपने आप को ज्यादा गणितज्ञ समझते होंगे, बीएससी एमएससी सब करके बैठे होंगे, मैथ की तमाम डिग्री लिए बैठे होंगे, उनसे जाओ पूछो कि भैया जीरो धन पूर्णांक है कि ऋण पूर्णांक है, तब आधे लोग लगाएंगे लिमिट, बोलेंगे लिमिट टेंड्स टू जीरो प्लस होता था तो जीरो क्या है, धन पूर्णांक है, कुछ लोग बताएंगे लॉग तो उसे बोलेंगे ऋण पूर्णांक है, तो आप मुझे बताओ जीरो धन पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक है, मुझे आप बताओ जीरो को किस कैटेगरी में रखा जाए, मैंने जीरो को बीच में टांग दिया, इसे इधर ले जाऊं या इधर ले जाऊं, किधर ले जाऊं, मुझे आप बताएं, जीरो क्या है, धन पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक है, अभाज्य संख्या है जीरो, अच्छा अभी तो आपके बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, जीरो इंटीजर है, बहुत बढ़िया, हाँ इसका बताएं जीरो क्या है, धन पूर्णांक है कि ऋण पूर्णांक है, जल्दी से बताओ तभी तो क्लास को खत्म कर पाएंगे, वरना बहुत लंबी चल जाएगी, बहुत कुछ पढ़ना है आज ही क्लास में, धन है, गुणांक की बात नहीं कर रहा हूं, पूर्णांक की बात कर रहा हूं, पूर्णांक ये इसकी बात कर रहा हूं, ये लिखा हुआ है हिंदी में, है ना, इंटीजर की बात कर रहा हूं, गलत मत पढ़िएगा वरना गलत हो जाएगा, पूर्णांक की बात कर रहा हूं, हाँ धन पूर्णांक है, बहुत बढ़िया, गोलू जी भी धन बता रहे हैं, दोनों नहीं है, आरती देवी जी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, और बताओ सभी लोग बताओ, एक बार जल्दी जल्दी बताओ फिर मैं आगे चलता हूं, धन मानू या ऋण मानू, सर मां क्यों रहे हो, ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण है, बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया, नन ऑफ दीज, जीरो ना तो धन है ना ही ऋण है, जीरो एब्सोल्यूट है, अलग है, जीरो क्यों अलग है, क्योंकि जीरो ही वो बेस वैल्यू है जिसका बायां है जिसका दायां है, बात समझ में आ रही है, इसके दाएं चलोगे तो पॉजिटिव, इसके बाएं चलोगे तो निगेटिव, ये बेस वैल्यू है, तो कभी भी जजमेंट करने वाला, कभी भी जज पार्शलिटी करता है, जज कभी सत्य होता है नहीं, जज कभी गलत होता है नहीं, जज तो जज है, जज बताता है तुम सही हो तुम गलत हो, तो ये जज है ये बताता है तुम सही हो तुम गलत हो, बात समझ में आ गया,
तो जीरो ना धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है, ये आप अच्छे से यहां पे समझ लेना। इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ा जाए भैया, आगे बढ़ते हैं यहां पे, आगे बढ़ते हैं। जो हमारे साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, उनका हाल यहीं पे खत्म नहीं हुआ। उन्हें क्लासिफिकेशन की इतनी बड़ी चुल्ल मची थी कि वो इसको भी तोड़ डाले। किसको? अब जीरो के अंदर तो कुछ है नहीं, जीरो शून्य है, जीरो से निकल के ब्रह्मांड ही निकल सकता है, बाकी कुछ नहीं निकल सकता। बोलते ना शून्य से निकला है, सिंगुलरिटी से निकला है, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े होंगे। तो जीरो से कुछ ही, मैथ में कुछ नहीं निकल सकता, जीरो जीरो है। तो उसने क्या किया, उसने इस पॉजिटिव इंटीजर को तोड़ दिया। पॉजिटिव इंटीजर को तोड़ दिया तो वहां पे उसे क्या मिला, उसने बोला कि जब मैं इसे तोड़ूंगा तो या तो एक लिखूंगा या तो प्राइम नंबर लिखूंगा, जिसे अभाज्य संख्या बोला जाए, जिसे कंपोजिट नंबर बोलूंगा या तो भाज्य संख्या बोला जाए। क्या बोला जाए? अभाज्य संख्या बोला जाए, ध्यान दीजिएगा, अभाज्य, और इसे क्या बोला जाएगा, भाज्य संख्या बोला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये क्लासिफिकेशन क्या हुआ इस बात को समझते, ये गौर देने वाली बात है। मैक्सिमम बच्चे यहीं पे कंफ्यूज रहते हैं, आज आपकी सारी कंफ्यूजन में दूर कर दूंगा। थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल और हाई कर दो, थोड़े अपने कंसंट्रेशन में चीनी और मिला दो, एकाग्रता और बढ़ा दो, दिमाग और नेत्र और खोल लो, तो समझते हैं फिर। ये कहानी क्या हो गई, पॉजिटिव इंटीजर को हमने तोड़ा तो एक प्राइम और कंपोजिट में तोड़े, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या आएगा, ये वाला पार्ट पॉजिटिव इंटीजर आएगा। इसको हम लोग यहां कोने में ले चलते हैं और उस कोने को यहां खिसकाते हैं, और अब समझना, मैं यहां पे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप पॉजिटिव इंटीजर की बात करोगे तो आप क्या लिखोगे, एक दो, जीरो नहीं लिखोगे, तीन चार पांच छ सात और ऐसी चीजें क्या होंगी, बढ़ती हुई चली जाएंगी। अब जब आप इसे धन पूर्णांक बोले तो आपको एक मिला, एक के बाद दो मिला, दो में उसे चेक करना था प्राइम है कि कंपोजिट। तो उससे पहले हम समझते हैं प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, समझ लेना, यहीं पे समझना, आज के बाद गलत नहीं करना। हाँ, यहां आज के बाद इसे गलत नहीं होने देना है। प्राइम नंबर क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, रूढ़ संख्याएं क्या होती है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं जो केवल और केवल एक से कटे या फिर खुद से कटे। ये डेफिनेशन कहां पे लिखी है, आपके किताब में लिखी है। किस किताब में लिखी है, जो मार्केट में तमाम किताबें हैं, चाहे एसके यादव, एसडी यादव हो आपकी, चाहे आप बेसिक वाली लगाते हो, अरिहंत की कोई लगाते हो, या फिर आप कोई और किताब लगाते हो, कोई किरण पब्लिकेशन की लगाते हो या किसी और टीचर की लगाते हो, लेकिन सब में यही लिखा है कि अभाज्य संख्याएं या वो संख्याएं हैं जो या तो खुद से कटे या तो अपने आप से कटे, यानी कि केवल दो उसके फैक्टर हो। बात समझ आ रही, यही। लेकिन कोई भी किताब सही डेफिनेशन नहीं लिखा, कोई किताब नहीं लिखा आज तक। मैं आपको समझाता हूं इसकी सही डेफिनेशन क्या होगी। अगर ये डेफिनेशन है तो एक को हम लोग लेते हैं, एक भैया एक से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है आराम से, यहां पे खुद से भी कट रहा है, खुद क्या है एक है, इससे भी कट रहा है, यानी ये एक से भी कट रहा है, उन से भी कट रहा है, तो एक क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप मुझे बताओ, एक प्राइम नंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। परिभाषा कहती है कि वो संख्याएं जो एक से कटे या खुद से कटे वो क्या होंगी, वो हमारी अभाज्य संख्या होगी, केवल और केवल। अब ये किसी से नहीं कटेगा, जैसे दो को लिया जाए, दो भैया एक से कट रही है कि नहीं गई है, दो एक कम दो, दो बटे एक करेंगे दो आएगा, और ये किससे, ओन यानी दो से भी कट जाएगी, तो ये भी केवल दो से कट रही है। तीन से काट लोगे क्या, नहीं काट पाओगे। चार से काट लोगे क्या, नहीं काट पाओगे। सांप वाप तो होने की काट लोगे, पांच है तो भी नहीं काट पाओगे, तो ये केवल एक से कटेगा और दो से कटेगा, तो दो भी क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। पूरी दुनिया को पता है दो क्या है, अभाज्य संख्या है। तो मुझे बताओ, हाँ पांच और सात, भाई भाई साहब ने पांच बोला सात बोला, पांच को भी देख लेते हैं, एक से कटेगा कटेगा, ओन मतलब कि पांच से कटेगा कटेगा, ये भी संख्या क्या है, अभाज्य है। चार को ले लेते हैं, चार एक से कटेगा कटेगा, ओन से कटेगा कटेगा, लेकिन ये दो से भी कटेगा, तो आप देख लो कि ये केवल, उसने क्या बोला, केवल एक से कटना चाहिए और खुद से कटना चाहिए, लेकिन ये और से हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए बात समझ में आई, ये क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है, जबकि ये सब प्राइम नंबर है। तो हमारे नजर में एक आया, एक मुझे बताओ प्राइम नंबर है कि नहीं है, तमाम जनता बताएगी यहां पे। आप बताओ, आपकी बारी, मेरी बारी खत्म, जल्दी बताओ ताकि मैं इस कॉन्सेप्ट को आगे ले चलूं, समय नहीं गंवाना है, बहुत कुछ सीखना है एक ही क्लास में। मैं आज
फ्री के नाम पे आपको जितना सिखा दूंगा उतना कोई पैसा लेके भी इतनी बेसिक बातें नहीं समझा पाएगा। और यही बच्चे गलत करके आते हैं, मैक्सिमम एग्जाम में ही सब गलत होते हैं। बताएं एक प्राइम नंबर है, बहुत बढ़िया। श्रद्धा जी ने बोला, मोनिका जी ने बोला, सतनाम जी ने बोला, शैलेश जी बोले नहीं है, बहुत बढ़िया शैलेश जी। हाँ दुर्गेश बोले नहीं है, आर यादव बोल रहे हैं, आसिफ जी बोल रहे हैं, आंचल जी बोल रहे हैं, आर यादव बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं। जबकि एक प्राइम नंबर नहीं है। फिर से सुनो, ये अजीब सा लग रहा है, डेफिनेशन पढ़ने के बाद अजीब सा एकदम लगेगा कि एक आपका प्राइम नंबर नहीं है। क्यों प्राइम नंबर नहीं है एक आपका? क्योंकि ये डेफिनेशन गलत थी। डेफिनेशन क्या थी? अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक से कटे और केवल खुद से कटे, जो केवल एक से कटे और खुद से कटे, लेकिन ये दोनों क्या हो? डिस्टिंक्ट हो, दोनों सेम ना हो। ये एक और ओन दोनों सेम नहीं होने चाहिए। दो के केस में एक और दो दोनों सेम नहीं है, अलग अलग संख्याएं हैं। पांच के केस में एक और पांच दोनों सेम नहीं है, अलग अलग संख्याएं हैं। चार के केस में तो है ही नहीं, वो बात ही छोड़ो, लेकिन एक के केस में ये दोनों संख्याएं क्या हैं? ये दोनों संख्याएं सिमिलर हैं। बात समझ में आ गई? दोनों संख्याएं क्या हैं? सिमिलर हैं। और इस कारण से ये क्या हो जाएगा? ये हमारी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं होगी, एक हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो जो अच्छे वाले मैथमेटिशियन थे भैया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला कि एक आपका प्राइम नंबर नहीं है, एक को अलग रखे, प्राइम नंबर को अलग रखे, कंपोजिट को अलग रखे। अब देखें, अगर हम प्राइम नंबर के डिफिनीशन समझ गए हो तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद होगा कंपोजिट नंबर। तो जो संख्याएं प्राइम नंबर नहीं है और एक, एक और प्राइम नंबर को किताबों में क्या मिलेगा? जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर नहीं है। लेकिन जो सही डिफिनीशन है वो ये है, एक और प्राइम नंबर को छोड़ के सारी संख्याएं कंपोजिट नंबर होती हैं। जैसे आपका चार, इसके कितने फैक्टर हैं? एक से भी कट जाएगा, दो से भी कट जाएगा, चार से भी कट जाएगा। तो दो से ज्यादा डिस्टिंक्ट फैक्टर हो गए, तो इस कारण से ये क्या हो जाएगा? अभाज्य नहीं होगा, ये भाज्य संख्या हो जाएगा। पांच तो प्राइम नंबर है, तीन प्राइम नंबर है, दो प्राइम नंबर है, एक अलग है, छह क्या है? कंपोजिट नंबर है। चार क्या है? कंपोजिट नंबर है। सात क्या है? प्राइम नंबर है। आठ क्या है? कंपोजिट नंबर है या भाज्य संख्या है। तो अगर आप इस इंटीजर को देखो तो या तो एक दिख रहा है, या तो प्राइम नंबर दिख रहा है, या तो कंपोजिट नंबर दिख रहा है। और इसीलिए साइंटिस्टों ने नहीं, गणितज्ञों ने पॉजिटिव इंटीजर को तोड़ा तो तीन अलग अलग भागों में तोड़ा। किस भाग में तोड़ा? एक प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ध्यान से देखते चलना, अभी आपको मैं स्क्रीनशॉट खींचने का मौका दूंगा, परेशान मत होइएगा, और एकदम अच्छे समझिएगा, बहुत जरूरी क्लास है ये। इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये बात आप समझ लो, ठीक है। तो चलो आते हैं, क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं। क्लासिफिकेशन में दो टाइप देखे कि एक रियल नंबर हुआ, एक इमेजिनरी नंबर हुआ। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं हुई, ये अवास्तविक संख्याएं हुई। ये हमारे सिलेबस में नहीं था तो हम इसे उड़ा दिए, ये हमारे सिलेबस में था इसे हमने पढ़ा। रियल नंबर को दो पार्ट में तोड़ा, एक हमने फ्रैक्शन में तोड़ा या डेसिमल में तोड़ा, दशमलव या भिन्न बोल लो हिंदी में, इसे हमने पूर्णांक में तोड़ा। पूर्णांक को तीन भागों में तोड़ा, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, जीरो में तोड़ा। धन पूर्णांक को तीन भाग में तोड़ा, एक में, अभाज्य संख्या में और भाज्य संख्या में। इतनी कहानी आपको मैंने यहां पे क्या कर दी? रिवाइज करवा दी। बात समझ में आ गई? इतनी कहानी अगर आपकी रिवाइज हो गई तो अब समझो क्या है, मैं सीन कह रहा हूं। इसके बाद भी क्लासिफिकेशन आया। अच्छा आप ये बताओ, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर को क्लासिफाई कर सकते हैं तो सेम चीज हमने यहां पे भी क्लासिफाई करनी थी कि नहीं करनी थी? यहां पे भी माइनस एक और प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन मैं बता दूं, ये पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर कोई अलग चीज नहीं है, ये तो साइन कन्वेंशन है भैया। जब आप अपने भूत की बात देखते हो, जब कोई बहुत छोटी बात देखते हो, तब आप क्या बोलते हो? साइन कन्वेंशन लगाते हो। जैसे अगर आपको 10 के ऊपर चलना हुआ तो 10 की पावर लगाते हो, और 10 के नीचे आना हुआ तो 10 की घात में ऊपर माइनस का पावर लगाते हो। 1/10 को क्या लिखते हो? 0.1 लिखते हो, और 0.1 की वैल्यू क्या होती है? 10 की घात माइनस 1। तो ये आपके दिल देखने का नजरिया है, वो नंबर अलग नहीं है। जो नंबर ये है, नंबर यही है। ध्यान देना, अगर मैं बोलूं ये -2 लिखा है तो इसमें दो चीजें हैं। क्या?
एक ये है नंबर और एक ये है साइन, ये दो चीज मिलके ये माइनस दो बना है। तो ये साइन कन्वेंशन की बात कर रहा है, हम क्लासिफाई तो नंबर को कर रहे हैं, तो इन पूरों को क्लासिफिकेशन ये बोला जाए तो गलत नहीं होगा। गुड इवनिंग आशीष जी, इतनी बात समझ में आ गई? चलो इतनी बात समझ में आ गई तो मैं इसे आपके मेमोरी से वॉश करता हूं, ठीक। चलो अब देखते हैं, इतनी बात क्लियर हो गई। अभी हम इसे तोड़ेंगे और भी तोड़ेंगे, तब तक तोड़ेंगे जब तक ये मानेगा नहीं। तो जब हमने इंटीजर को तोड़ा तो इसके तोड़ने की एक विधि और थी, कुछ मैथमेटिशियन नहीं माने तो इसे तोड़ने की एक विधि और माने, उसे किसमें माने, एक नेचुरल नंबर और एक क्या माने, होल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं माने और क्या माने, प्राकृतिक संख्याएं माने और क्या माने, वो पूर्ण संख्याएं माने। नेचुरल नंबर बोलो या काउंटिंग नंबर बोलो, क्या बोलोगे, काउंटिंग नंबर बोलो या फिर इसे हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं बोलो, तीनों चीजें क्या हैं, सेम है। होल नंबर बोलो या पूर्ण संख्याएं बोलो, ये दोनों अलग है, पूर्ण और पूर्णांक दोनों में अंतर है। दूसरी बात आप ऑब्जर्व करो, मैंने क्या बोला, मैं बोला प्राकृतिक संख्याएं, क्या बोला, प्राकृतिक संख्याएं, यहां पे क्या बोला, पूर्ण संख्याएं बोला, ना कि संख्या बोला, बात समझ में आनी चाहिए। नेचुरल नंबर्स बोल रहा हूं ना कि नेचुरल नंबर बोल रहा हूं, इस एस का मतलब है। पीडीएफ भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आलोक पांडे जी, लेकिन सब कुछ पेड़ वाले बच्चों को मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये नेचुरल नंबर और होल नंबर में दौड़ा ऐसे समझते हैं। नेचुरल नंबर क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, वो सारी संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और कहां तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, नेचुरल नंबर कहलाती हैं। और सारी संख्याएं जीरो से जो शुरुआत होती हैं और एक दो तीन चार पांच ऐसे बढ़ते हुए अनंत तक जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, होल नंबर कहलाती हैं। तो मुझे बताओगे, अब आपकी बारी बताने की, तो मुझे बताओ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं एकदम अनपढ़ गंवार हूं, मैं आपसे पूछा भैया भैया जीरो क्या है, होल नंबर है कि नेचुरल नंबर है, तो आप क्या बताओगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भैया बहनी लोग, बताओ जीरो क्या है, आपका होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, जल्दी बताओ। हेलो राखी सिंह जी, ओके आशीष जी, ओके आपको जोड़ दिया जाएगा। हाँ, यह आपकी पहली क्लास है मान के चलिए। जीरो क्या है जल्दी बताएं, जीरो क्या है, आपका होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है, बताओ जल्दी बताओ। होल नंबर बता रहे, बहुत बढ़िया, होल नंबर बता रहे, बहुत बढ़िया, ताली, सभी लोग बता रहे होल नंबर बता रहे, बहुत बढ़िया, सभी लोग बोलो तभी मेरे अंदर भी जोश आएगा, वरना मैं ऐसे चला जाऊंगा, मजा मजा आएगा नहीं। मजा लेना चाहते हो, डिटेल में पढ़ना चाहते हो, मैथ की ऐसी तैसी कर देना चाहते हो, मैथ को धूल चटा देना चाहते हो, तो बोलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। तो करना है मेहनत तो जुट जाओ, इसे बताओ कि क्या है आपका, जल्दी से बता दे। चलो होल नंबर है, नेचुरल नंबर आर यादव नेचुरल नंबर बता रहे, अरे नेचुरल नंबर कैसे बता दिए, हाँ केवल पेड़ वालों को ही मिलेगा, चलो बहुत बढ़िया, बताते चलो बताते चलो, सभी लोग बताते चलो, इसका उत्तर बताओ क्या है, होल नंबर, सभी लोग बता रहे हैं जीरो को होल नंबर है, ठीक है मैंने मान लिया, आपने कहा मैंने मान लिया, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था। दो क्या है, होल नंबर या नेचुरल नंबर, क्या दो क्या है, होल नंबर या नेचुरल नंबर, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, दो क्या है, होल नंबर या नेचुरल नंबर, बताते चलो सभी लोग बताते चलो, होल नंबर, दो भी होल नंबर, दो को बताओ, दो क्या है, होल नंबर या नेचुरल नंबर, जल्दी बताओ तेजी से, आपके कमेंट बहुत तेजी से आने चाहिए, मुझे इंतजार ना करना पड़े, अब तक क्लास में होते तो आपके सीट तक आ जाता और यहां पे बोर्ड तक खड़ा कर देता। दो क्या है, होल नंबर बता रहे, दोनों बता रहे, दुर्गेश जी दोनों बता रहे, रुद्र बता रहे होल बता रहे, आशीष बता रहे बोथ, सतनाम वीर बता रहे दोनों, बहुत बढ़िया, गोलू बता रहे नेचुरल, आई ना कंफ्यूजन, आई ना, क्यों कंफ्यूजन है, क्योंकि आपका बेसिक नहीं क्लियर है, जब बेसिक नहीं क्लियर है तो कंफ्यूजन तो जनरेट होगी, कंफ्यूजन जनरेट होगी तो फिर आपके प्रश्न गलत होंगे। कैसे प्रश्न गलत होंगे, बोलेगा कि वो स्टेटमेंट में क्वेश्चन देगा कि एक आपके प्राकृतिक संख्याओं का सेट है, ऐसे प्रश्न देगा और बनाएगा, फिर आप गलत प्रेडिक्ट करोगे तो गलत ही आपका उत्तर आएगा ना। आप समझना यहां पे, ना दो होल नंबर है ना दो नेचुरल नंबर है, ना जीरो होल नंबर है ना जीरो नेचुरल नंबर है, कोई भी चीज नंबर को हम होल नंबर और नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, किसी एक संख्या को नहीं बोल सकते, ये क्या होती हैं, संख्याओं का समूह होती हैं। फिर से परिभाषा समझिए, वो संख्याएं जो आपको एक से स्टार्ट होते हुए प्रतीत हो उन्हें क्या बोलोगे, प्राकृतिक संख्याओं बोलोगे। एक सेट होता है, संख्याओं का समूह होता है, अगर मैं इसको एक सेट बना दूं तो इसे बोलूंगा ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये संख्याएं नेचुरल नंबर है, ना कि
ये संख्या नेचुरल नंबर है, संख्या प्राकृतिक और पूर्ण नहीं होती, जो पूछता है वो गलत होता है, इसका मतलब उसे मैथ नहीं आती है और मैथ उससे बुरा मान जाती है क्योंकि आपने गलत कॉन्सेप्ट पढ़ा है। बात समझ में आ गई? लेकिन मैं बोलूंगा संख्याओं का समूह जो एक से शुरू हो रहा है तो उन्हें क्या बोलोगे? प्राकृतिक संख्याएं बोलोगे। जो संख्याओं का समूह जीरो से शुरू हो रहा है उसे क्या बोलोगे? उसे पूर्ण संख्याओं बोलोगे, होल नंबर बोलोगे। तो आपसे कोई पूछेगा कि दो होल नंबर का नेचुरल नंबर, बोलोगे पागल हो गए होगा, पूछ कर रहे हो, जाओ सही से पढ़ के आओ। दो और जीरो को होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं बोलते, संख्याओं का समूह होता है, प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। चलो, तो ये दोनों चीजें मेरे ख्याल से आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इसे अब मैं उड़ा देता हूं क्योंकि ये आपके काम की नहीं है। डेफिनेशन अगर आपको पता हो गया तो दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए पर्याप्त जानकारी आपके पास हो गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या होता है। ये तो हमने क्लासिफाई कर लिया ये इंटीजर वाले सेक्शन में। एक हमारा सेक्शन बचा हुआ है, क्या एक हमारा सेक्शन बचा हुआ है? फ्रैक्शन वाला सेक्शन बचा हुआ है। ये पार्ट भाई साहब पूरा का पूरा आपका खाली दिख रहा है, ये पार्ट तो आपका भरा गया, किसी की निगाह इस पे पड़ गई और इस पे तोड़ना फोड़ना क्या कर दिए? चालू कर दिए। तो इधर जब तोड़ना फोड़ना चालू कर दिए तो फ्रैक्शन का तोड़ अच्छे से आप लोग यहां पर समझना। फ्रैक्शन को जब तोड़ा गया तो उन्होंने जब फ्रैक्शन को ऑब्जर्व किया तो जैसे कुछ फ्रैक्शन क्या है 0.5, क्या है 0.1, क्या है 0.2, क्या दिखा 0.3, क्या दिखा 0.4, क्या दिखा 0.5, 0.25, 0.75, ये दशमलव दिख रहे थे। अच्छा, फ्रैक्शन और दशमलव दोनों को समझना भी। दशमलव हम लोग बोलते क्या हैं? भिन्न तो बोलते हैं, समझ में आता है। दशमलव क्यों बोलते हैं? अगर मैं इसे बोलूं दशमलव बोलूं तो क्यों बोलूंगा? दशमलव क्यों बोलूंगा? ये दशमलव क्यों बोला जाता है उस चीज को आप समझिए, क्योंकि इसमें 10 लगा है और ये 10 बताता है कि आप जितनी संख्याएं सोचते हो वो किस में सोचते हो? 10 के बेस पे सोचते हो, 10 के आधार पे सोचते हो। जैसे मैं आपको बोलूं, चलो यहां पे समझा दे रहा हूं, अभी मिटा दूंगा, यहां पे बोलूं 121 लिखा है तो ये 121 कब बना? जब ये 10 के बेस में होगा। आपने देखा होगा, बाइनरी में पढ़ा होगा, कंप्यूटर में पढ़ा होगा कि 2 के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसे क्या लिखते हो? 1×10^0 प्लस 2×10^1 प्लस 1×10^2। यही तो बोलोगे। ये इकाई का स्थान है, यूनिट डिजिट होता है, ये टेंस डिजिट होता है, दहाई का स्थान होता है और ये हंड्रेड होता है, सैकड़े का स्थान होता है। तो जब इकाई है तो 10^0, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। किसी की भी पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। 10^1 की वैल्यू क्या होगा? 10 होगा। इसकी वैल्यू क्या होगा? 100 होगा। इसे आप कैलकुलेट करो, 10^2 मतलब कि 100×1 100, 10× ये हो जाएगा 20, तो इसे बोलोगे 20 और यहां पे 1×1 क्या आएगा? 1, और इसे जोड़ोगे तो कितना आएगा? 121 आएगा। सारी की सारी संख्याएं 10 के फॉर्म में होती हैं तो फिर इसे दशमलव क्यों बोला गया? वो जो मलव लगा ना, वो इसीलिए लगा कि 10 का अभी जब हम उधर चल रहे थे तब सीधे सीधे इस फॉर्म में कर रहे थे, लेकिन अगर मैं अभी 121.25 लिख दूंगा तब आपको क्या करना पड़ेगा? उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। अब आप इस 10 के लिए क्या लिखोगे? 10^-1 2×, और इसको क्या लिखोगे? 5×10^-2। तो ये जो आपका -2 आ गया, यही तो मैं बता रहा था, ये उसको नीचे पहुंचा देगा, 2/10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.2, और इसलिए हम लोग इसे 10 के बेस वाला पॉइंट बोल दिए, दशमलव बोल दिए। बात समझ में आ गई? तो सब कुछ आपके 10 के बेस में चलता है इसलिए इसे दशमलव बोलते हैं। यहां पर इस बात को आप समझते हुए चलो। चलो, इतनी बात मैं यहां पे क्लियर करता हूं, इतनी चीज समझ में आ गई। तो जब भैया ये लोग यहां पे कर रहे थे तो इन्हें कुछ तो दशमलव ऐसे मिला, लेकिन कुछ दशमलव इन्हें परेशान किया। जैसे क्या? 0.33333 ये बढ़ता चला जाएगा, ये रुकेगा नहीं। ये मिला कैसे? इनको कैलकुलेशन में कहीं 1/3 दिख गया था, 1/3 को जब भाग दिए, 1 को 3 से भाग दिए तो उन्हें क्या मिला? 0.3333। और वो प्रयास सुबह से लेकर शाम हो गई, शाम से लेकर सुबह हो गई, दिन बीत गया, महीना बीत गया, साल बीत गया, जिंदगी बीत गई, लेकिन इस 3 का अंत नहीं हुआ, ये 3 रिपीट होता चला गया। कैसे रिपीट होता चला गया? अगर 1 को 3 से भाग दोगे तो सबसे पहले क्या करोगे? मैं नीचे करता हूं, वहां पे क्लियर नहीं हो रहा। अगर 1 को 3 से भाग दोगे तो आप क्या करोगे? यहां पे दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे,
तीस का जाएगा नौ, एक का जाएगा क्योंकि दशमलव फिर शून्य बढ़ाओगे, फिर तीन करोगे फिर नौ आएगा, फिर एक आएगा, तो ये प्रोसेस चलता जाएगा, तो ये तीन बढ़ता चला जाएगा। तो मैथमेटिशियन लोगों को ये क्या किया, परेशान किया। और परेशान किया इसलिए इन्होंने बोला कि दशमलव भी दो प्रकार के हैं, एक कौन सा जो ये शांत हो गया, रुक गया, आप देखो इसके आगे कुछ बढ़ नहीं रह गया, और एक क्या जो रुक ही नहीं रहा है, अशांत पड़ा हुआ है। तो इन्होंने दो में तोड़ा, एक किसमें, एक बोले कि ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग मतलब कि रुक गया, टर्मिनेट कर गया, बस समझ में आ गई, टर्मिनेटिंग बोल दिए कि ये रुक गया, शांत हो गया, इसे बोले शांत दशमलव हो गया। और एक जो अशांत रह गया यानी कि चलता चला गया, इसे क्या बोले, नॉन टर्मिनेटिंग बोले, या हिंदी में क्या बोले, अशांत दशमलव बोले। क्या बोले, अशांत दशमलव बोले। इस बात को आप समझते हुए चलिएगा। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई, मेरे ख्याल से क्लियर हो रही होगी। तो ये जब डेसिमल को इन्हें फ्रैक्शन में तोड़ा तो दो पार्ट में तोड़ा, किसमें किसमें तोड़ा, एक को आपको टर्मिनेट में तोड़ा और एक आपका क्या बोला, आपका अशांत बोला। जो रुक गया उसे टर्मिनेटिंग बोला और जो नहीं रुका उसे नॉन टर्मिनेटिंग बोला। आप इस चीज को यहां पर अच्छे से समझते चलो। अब जो शांत हो गया उसके पीछे कोई दिमाग नहीं लगाता। घर में वो बच्चा जो एकदम शांत बैठा रहता है उसके पीछे कोई दिमाग लगाने जाता, वो अपने में मस्त रहता है, खेलता रहता है, कोई नहीं पूछने जाता। लेकिन वो बच्चा जो दिन भर चिल्लाता रहता है, दिन भर उपद्रव करता रहता है, कभी ये सामान तोड़ता है, कभी वो सामान तोड़ता है, उसके पीछे पूरा घर लगा रहता है। तो ऐसे ही इस अशांत दशमलव के पीछे सारे मैथमेटिशियन लगे रह गए और इसको फिर से तोड़ दिए। इसको फिर से तोड़ दिए, कैसे, दो भागों में तोड़े। एक कैसे, जैसे 0.3333 देख रहे हैं कि वो बच्चा है, बार बार वही काम कर रहा है, बार बार वही खुराफात कर रहा है, मतलब ये रिपीट होता चला जा रहा है। एक ऐसे मिला कि कुछ दशमलव जैसे आपको 0.12345678 9 कुछ आपको पैटर्न नहीं दिखेगा, फिर 1 2 7 9 11 1 11 ले होंगे 1 3 कुछ पैटर्न नहीं मिलेगा आपका और ये बढ़ता चला जाएगा, ये रुकेगा भी नहीं। तो ये दो तरीके के मिले, एक जिसमें रेपिटेशन हो रहा है, बार बार चीजों में पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार रेपिटेशन हो रहा है, तो एक को बोले क्या, रेपिटेशन बोले, है ना, क्या बोले, जो रिकरिंग या रिपीटिंग बोले, क्या बोले, रिकरिंग बोले या फिर आपका रिपीटिंग बोले, दो शब्द हैं अंग्रेजी वाले में देखना, रिकरिंग, रिकरिंग मतलब भी कोई चीज बार बार होना, या फिर क्या बोलोगे, रिपीटिंग की कोई चीज रिपीट हो रहा है, या क्या बोलेंगे, ये आवृत्ति बोले, है ना, क्या बोले, आवृत्ति बोले, यानी कि वो क्या हो रहा है, बार बार उसमें पुनरावृत्ति हो रही है। या दूसरा क्या हुआ, नॉन रिकरिंग हुआ, नॉन रिपीटिंग हुआ, यानी कि कुछ रिपीट नहीं कर रहा है, रैंडमली कुछ भी आ रहा है, या नॉन रिपीटिंग बोले, या क्या बोले, अनावृत्ति बोले। इस चीज को आप समझ में आ गया, क्या बोले, अनावृत्ति बोले। तो ये दो टाइप के उनको डेसिमल मिले, जैसे ये 0.33333 बढ़ता चला जाए और यहाँ पे जैसे 0.12375643 2 1 ऐसा कुछ बढ़ता चला जाए, ना रुके और ना ही कुछ रिपीट हो, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो ये बेसिकली आपकी क्या थी, ये क्लासिफिकेशन थी। कुछ चीजों को मैं यहां पे डिलीट करता हूं ताकि ये बोर्ड आपको क्या दिख जाए, क्लीन दिख जाए, और आप इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये बात आपको क्लियर हो रही है। यहां पे मैं कुछ चीजों को डिलीट कर दे रहा हूं आपके, ताकि ये आपको थोड़ा आसान पड़ जाए। अभी ये बोर्ड आपका क्लीन हो गया है, मतलब भर की चीजें। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से चीजें स्टार्ट हो रही हैं। इसको भी मैं हटा देता हूं, ठीक है, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये चीजें आप जब भी देखो तो आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठी रहे। और स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बताऊं मैं आगे की क्या प्रोसेस है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर बताता हूं। इतनी बात सभी को समझ में आ गई, चलो। दो अभाज्य बोल देंगे, हाँ दो अभाज्य ही है, दो भाज्य नहीं, दो दो अभाज्य है, चलो डार्क कर दें। अभी दिख रहा है आपको सही से, चलो नोट कर लिया, बहुत बढ़िया।
अगर जूम करेंगे तो आपकी स्क्रीन से बाहर चला जाएगा, आप लोग इमेज अच्छे से खींच ली फिर उसे जूम करिएगा तो आपको दिखेगा अच्छे से, ठीक है, दिखेगा थोड़ा बहुत, अपना वहां पे लगाओगे क्लास को देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो कुछ चीजें देखते हैं। देखिए अब ज्यादा शायद क्लियर दिखे आपको, अब ज्यादा क्लियर दिखेगा शायद, अब स्क्रीनशॉट लीजिएगा ज्यादा अच्छा दिखेगा। चलो ओ देखते हैं, कुछ कुछ चीजें देखते हैं। चलो बाद में से नोट कर लेना, आप लोग बाद में भी पढ़ लेना डबल स्पीड करके। ये इतनी चीजें हो गई तो दो चीजें हमारे दिमाग में और थी, इतनी चीजें हो जाने के बाद दो चीजें हमारे दिमाग में थी, वो क्या थी उस चीज को मैं आपको समझा देता हूं। आपने दो चीजें पढ़ा होगा, एक क्या रैशनल नंबर, रैशनल नंबर पढ़े होंगे जिसे बोलते हैं परिमीय संख्याएं, रैशनल नंबर जिसे क्या बोलते हो परिमीय संख्याएं बोलते हो, परिमीय संख्याएं बोलते हो। या फिर आपका एक होता है इरेशनल नंबर, मुझे कोई बताएगा क्या होता है रैशनल नंबर और क्या होता है इरेशनल नंबर, अपरिमीय संख्याएं, ये मुझे कौन बताएगा भैया अपरिमीय संख्याएं कौन बताएगा, थोड़ा बड़ा लिखकर समझाएं। अभी आपके सुविधा के लिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पे बड़ा मुझे कुछ और समझाना है इसलिए मैं नहीं समझा रहा हूं, जब मैं जो भी करता हूं उसे जूम कर देता हूं जिस फोकस में बता रहा होता हूं, परेशान मत हो अभी मैं रिवाइज करवा दूंगा, इसे बताओ इसको बता दे। चलो क्या होता है परिमीय अपरिमीय संख्याएं क्या होती है, परिमीय अपरिमीय संख्याएं को समझते हैं क्या होती है इस चीज को। यहां पे आपने बचपन से ही ये कहानी सुनी होगी, कायदे से हमें इतना ही मतलब है इसलिए इस बोर्ड को इतना ही मैं केवल कर रहा हूं, जूम कर रहा हूं, बाकी चीजें हमारे मतलब की नहीं है, इसे भी ये भी मतलब नहीं तो इतना मैं जूम कर रहा हूं, ठीक है। हाँ नमस्ते अवलेश जी, ऐसी संख्याएं आपकी किताबों में पढ़ा होगा, ऐसी संख्याएं जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सके और q नॉट इज इक्वल टू जीरो हो, वो क्या होती हैं, वो हमारी परिमीय संख्याएं होती हैं या फिर आपकी क्या बोलती हैं आपकी रेशनल नंबर कहलाती हैं। यही तो आपने पढ़ा, ऐसी सारी संख्याएं जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q नॉट इज इक्वल टू जीरो हो वो क्या कहलाएगा, वो आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। यही आपने पढ़ा, क्या पढ़ा p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q नॉट इज इक्वल टू जीरो हो, ठीक है। लेकिन क्या ये डेफिनेशन सही है, क्या ये डेफिनेशन सही है, डेफिनेशन सही है लेकिन इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, ये डेफिनेशन आपका पूंछ है आपका सर नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि आप जब छोटे क्लास में थे आपकी किताबों में डेफिनेशन आया था तो आपका दिमाग इतना विकसित नहीं था कि आप चीजों को इतने कॉम्प्लिकेटेड लेवल पर समझ पाओ। आज आपका दिमाग मतलब भर का परिपक्व है तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं की डेफिनेशन क्या है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब सुनो भैया, वो सारी संख्याएं जो डेफिनेशन सुनो, डेफिनेशन क्या होगा इस चीज को समझो, वो सारी संख्याएं, सारी संख्याओं में कौन सा, वो सारे डेसिमल, वो सारे फ्रैक्शन, वो सारे डेसिमल जो ना तो रिपीटिंग हो और ना ही रिकरिंग हो वो क्या कहलाती हैं, इरेशनल नंबर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, इरेशनल नंबर कहलाती हैं, अपरिमीय संख्याएं कहलाती हैं। आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि ऐसी संख्याएं जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, q नॉट इज इक्वल टू जीरो हो, वो रेशनल होंगी और इसके अलावा सारी संख्याएं क्या होंगी, इरेशनल होंगी। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं पहले रेशनल को नहीं ला रहा हूं, मैं पहले इरेशनल को ला रहा हूं, कह रहा हूं वो फ्रैक्शन वो डेसिमल जो ना तो रुके और ना ही रिपीट हो वो क्या होती है, अपरिमीय संख्या होती है, बाकी सारी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। तो बाकी सारी संख्याएं मतलब वो सारे रियल नंबर्स, इमेजिनरी की बात नहीं कर रहा हूं, वो सारे रियल नंबर्स क्या होंगे, वो सारे रियल नंबर्स आपके क्या होंगे, परिमीय संख्याएं होंगी, रेशनल नंबर होंगी। समझ में आ गया, ये वाला स्ट्रक्चर आपका इरेशनल नंबर है, ये वाला संख्या आपका क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर अलग होती हैं, इरेशनल नंबर अलग होती हैं। अब इसका औचित्य क्या हुआ और ये इससे रिलेट कैसे हुआ, इस बात को समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं 0.3333 और ये बढ़ता चला जाए, ये बढ़ता
चला जाए, तो मैं बोलूंगा इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखो, भाई आप कर लोगे आप। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बोलूं, इस चीज को थोड़ा सा मैं हटाता हूं, यहां पे आप समझो, अगर मैं बोलूं इसे 0.2 है, इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखो, आप लिख लोगे, बोलोगे हाँ जी सर जी लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे? हाँ अभी बता रहे, एक बार बता रहे कैसे लिख लेंगे। आप बोलोगे ये तो बहुत आसान है, दशमलव को हटाओ, नीचे 10 बढ़ाओ और ये 2/10 यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, जहां पे क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो है तो आप इसे क्या बोलोगे, परिमेय संख्या बोलोगे। 0.2 किस कैटेगरी में आ रहा है, फ्रैक्शन है, लेकिन किस में आ रहा है, टर्मिनेटिंग में है, रुक गया है टर्मिनेटिंग में है, तो कहां पे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लियो, ये कहां आ गया, परिमेय आ गया, इसे आप लिख पा रहे हो। अगर मैं बोलूं 0.5 इसे आप लिखो, तो आप बोलोगे ये तो बहुत आसान है सर, 5/10 लिख देंगे, आराम से हमारा हो जाएगा। इसे आराम से आप लिख लोगे तो ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, आप कर लोगे। लेकिन मैं बोलूं अगर 0.3333 ऐसे करते चले जाएं तो फिर क्या होगा, अगर ऐसे करते चले जाएं और ये बढ़ता चला जाए तो इसे क्या आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लोगे। मैं दूसरा पेज लेके समझाता हूं यहां पे, ताकि आपको थोड़ा ज्यादा क्लीन हो। हाँ, अभी मैं बोलूं आपसे कि 0.333333 बढ़ता चला जाए तो इससे क्या आप लिख लोगे पी बाई क्यू के फॉर्म में, इसे आप नहीं लिख पाओगे। क्यों नहीं लिख पाओगे, अभी समझते हैं, इस बात को हम लोग समझते हैं। इसलिए नहीं लिख पाओगे भैया कि चलो हमने क्या किया, जब 0.3 था इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में था तो आपने दशमलव हटाया, नीचे 10 लगाया। हम यहां करेंगे दशमलव हटाएंगे, 3 के नीचे 10 लगाएंगे। अब जितने 3 हैं उतने 3 लिखने पड़ेंगे और जितने 10 हैं उतने 0 लिखने पड़ेंगे, जितने वो हैं अंक हैं। तो ये भी तो नहीं रुकेगा, अगर ये नहीं रुकेगा तो ये नहीं रुकेगा, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है क्या, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है। बात समझना, हम एग्जैक्टली पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। फिर आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे फिर तो ये सर डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। मैं बोलूंगा नहीं भाई ऐसा नहीं है, अगर हम इसमें तिकड़म लगाएं तो हम इसे भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैं कहूं 0.3333 इंफिनिटी तक जा रहा है, मैं बोलूं कि ये क्या है, x है, x के बराबर 0.3333 में मान लिया। अब मैं बोलूं कि अगर इसमें अगर 10 से गुणा कर दूं तो ये 10x हो जाएगा, और इसमें 10 से गुणा कर दूं तो 10 से गुणा करने के बाद ये दशमलव अंक कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.333333 और ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब आप अच्छे से देखो मुझे समस्या क्या पैदा कर रहा था, समस्या ये दशमलव के बाद जो 3-3-3-3 चलता चला जाता वही तो सारे समस्या का जड़ था। अगर ये मर जाए, ये कहीं चला जाए, ये कट पिट जाए कहीं, इसका सत्यानाश हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो इसका सत्यानाश करने के लिए मैंने क्या किया, 10 से गुणा किया और इस फॉर्म में लिखा। अब मैं अगर इसमें से इसे माइनस कर दूं, ध्यान दीजिएगा, इसमें से इसे माइनस कर दूं तो 10x में से x जाएगा, कितना बचेगा, 9x बचेगा। और यहां पे लिखा है 3.33, यहां पे लिखा है 0.33, माइनस करोगे तो क्या होगा, ये 3-3 कट जाएगा, बचेगा 3। ऐसे ही मैं कह रहा हूं इसके पीछे xyz आम इमली कुछ भी लिखा रहे, इसके पीछे भी तो वही आम इमली लिखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अनंत था। एक समुद्र में से एक बूंद पानी निकाल लोगे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये समुद्र था उससे एक बूंद पानी हमने आगे निकाल दिया तो इसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन हम अगर इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो ये वाली पूरी वैल्यू, कौन सी वैल्यू, ये वाली पूरी वैल्यू, इस वाली पूरी वैल्यू को क्या कर देगा, कट कर देगा और 3-0 क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो 9x = 3, तो x बराबर कितना जाएगा, 3/9 यानी 1/3 और ये आ गया p बाई क्यू के फॉर्म में। उठाओ कैलकुलेटर, 1/3 कर लो, 0.3333 ही आएगा। बात समझ में आ गई, तो हम यहां पे देख पा रहे हैं कि इस वाली संख्या को भी हमने p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिया, 1/3 के फॉर्म में लिख दिया और ये p बाई क्यू 3 ≠ 0 है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा क्या, प्राइम सॉरी रेशनल नंबर हो गया, परिमेय संख्या हो गया। बात समझ में आ गई, तो ये लॉजिक थी जो वो बोल रहा था आपके छोटी कक्षाओं में। अब समझते हैं कि ऐसी संख्याएं जो क्या हो, पी बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो हो, रेशनल होंगी, वो चीज थी ही नहीं, वो तो आपको बेवकूफ बनाया गया था। कायदे से ये था, वो दशमलव जो ना रुके ना ही रिपीट हो, अशांत रहे, वो आपका इरेशनल नंबर होगा। जैसे अभी मैंने ये तो आपने लिख लिया, लेकिन एक नंबर मैं ले लूं 0.1237
5, 6, 8 ये नंबर ले लूं, सपोज करिएगा मैं इस नंबर को लेता हूं, अभी मैं इसे भी x मान लूं, बोलो सर जी ये भी हो जाएगा x मान ले, मैं 10x से गुणा कर लूंगा, ये हो जाएगा 1.237568, ये बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें से इसे माइनस करोगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है क्या? ये वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए माइनस नहीं हो पाएगा, इसलिए एक माइनस जीरो एक नहीं बचेगा। तो जब ये माइनस नहीं हो पाएगा तो 9x बराबर यहाँ पे कोई इंटीजर नहीं मिलेगा, कोई इंटीजर मिलेगा तो कोई यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं मिलेगा। तो हमें कठिनाई हो रही है किसमें? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने में। तो हम पी बाई क्यू के फॉर्म बना ही नहीं पा रहे, इस कारण से ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। सभी को समझ में आ रही है बात इतनी? तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं और ये संख्या कौन सी है? देखो 0.123768 बढ़ती चली जा रही है ना, तो ये रुक रही है, ये नॉन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रही है, और क्या है? ना ही कुछ रिपीट हो रहा है, नॉन रिपीटिंग है। तो ऐसे सारे डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे वो क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी, और इनके अलावा सारी क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये चीज अपरिमेय संख्या और प्राइम संख्या पता चल गई, और आपके एग्जाम में डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लेता है, अब पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं पूछेगा भैया, अब डेफिनेशन के फॉर्म में पूछेगा। तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा, क्लासिफिकेशन को मैंने अच्छे से यहां पे समझाने की कोशिश की है। एक बार थोड़ा सा समरी देख लो, समरी आपको क्या देखना है कि मैं जूम करता चल रहा हूं, आप लोग देखते चलो, शुरुआत हम लोग कहां से किए थे? नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन किए, दो टुकड़ों में तोड़े, एक वास्तविक संख्याएं, एक अवास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हमारे कोर्स में नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, आयोटा वाले नंबर होते हैं, छोड़ दो। रियल नंबर को हमें करना था, रियल नंबर को हमने दो पार्ट में तोड़ा, किसमें? एक दशमलव में, एक पूर्णांक में, फ्रैक्शन में या डेसिमल में, इंटीजर में। इंटीजर को हमने तीन पार्ट में तोड़ा, पॉजिटिव का इंटीजर, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य में। धन पूर्णांक को हमने तीन में तोड़ा, एक में, अभाज्य में, भाज्य में। इसका दूसरा तोड़ा हमने प्राकृतिक संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में किया, और उसके बाद इधर हमने फ्रैक्शन को तोड़ा। फ्रैक्शन में दो चीज मिले, एक हमारे टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, जो रुक गए वो टर्मिनेटिंग, जो नहीं रुके वो नॉन टर्मिनेटिंग। इसको फिर से तोड़ा, तो इसे तोड़े तो एक हमारा रिकरिंग हुआ जो रिपीट हुआ, ये हमारा नॉन रिपीटिंग हुआ जो हमारा आवर्ती नहीं रहा। बात समझ में आ गया? तो ये आपका क्लासिफिकेशन था। ऐसे डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो वो क्या होंगे? हमारे इरेशनल नंबर होंगे, और बाकी सारे हमारे क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। तो क्लासिफिकेशन का चैप्टर, एक घंटे का सेशन, मैक्सिमम डेफिनेशन खत्म, जबरदस्त, जाइए पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन सारे पेट वाले बच्चों को। तो ये पहली भी क्लास थी आपकी यूपीएसआई की, ये पहली क्लास थी आपकी पीईटी की, इसे अलग मत समझिएगा। आलोक सर अब आपको ये पूरी कहानी फिर से बताने नहीं आएंगे, आपको यही वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी। लेकिन जो बच्चे अभी भी कोर्स में रजिस्टर ना किए हों और सुपकाहट हो दिमाग में, वो भैया देर मत करो, बहुत अच्छे तरीके से, और या किसी को भी, कोई भी बच्चा यहाँ पे मैथ्स रीजनिंग इंडिविजुअल में जुड़ना चाहता है तो वो भी इस बैच में जुड़ सकता है। पूरी की पूरी इसमें 70 से 75 क्लासेस आपकी मैथ्स की ही होंगी केवल, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग क्लियर करेंगे, एक एक चीज बहुत अच्छे से समझेंगे, तो हमारा आपका साथ बहुत प्यारे से बना रहेगा। अब मैं आपकी बात सुनूंगा, जैसे बताओ, हाँ अब बताओ भैया, क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया? अभी तो ये फ्री ही क्लास थी, लेकिन इसके बाद ये सारी पेड हो जाएंगी, ठीक है ना। फीस मैं बता दूं आपको, अगर आप पूरा यूपीएसआई लेना चाहते हो, थोड़ा सा ध्यान दे लो, पूरा का पूरा यूपीएसआई अगर लेना चाहते हो, देख लो, पूरा का पूरा अगर कोई यूपीएसआई लेना चाहता है, यूपीएसआई की फीस 2999 है, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, टारगेट बैच है, लेकिन ये प्राइस कट के इस समय कितनी है? 1499 में है, 50% ऑफर चल रहा है, लेट मत करो, ऑफर बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। या आप अगर कोई पीटी में जुड़ना चाहते हो, उसकी फीस 999 है, लेकिन इसकी प्राइस 50% ऑफ पे 499 रख दी गई है। या फिर कोई मैथ रीजनिंग इंडिविजुअल में जुड़ना चाहते हो, तो ये मैथ रीजनिंग दोनों पढ़ाया जाएगा, 999 प्राइस है, कट के कितना पड़ रही है? 499 पड़ रही है। ये आने वाले दो दिन ही केवल मौके है भैया, 2 तारीख से सारे ऑफर खत्म हो जाएंगे, फिर आप लोग बहुत परेशान होंगे, ठीक है ना। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लास सारी आपकी पेड में ही चलेंगे, ठीक है ना।
सीएचएसएल अलग से नहीं चलाएंगे, लेकिन कि मैथ्स पढ़ना हो, मैथ्स आपको कौन कौन से एग्जाम इसमें कवर हो जाएंगे, यूपीएसआई एग्जाम कवर हो जाएगा, इसमें पीईटी एग्जाम कवर हो जाएगा, इसमें आपका लोअर का एग्जाम कवर हो जाएगा, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के बाद ही लेखपाल वगैरह है तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसी में आपका कोई पीसीएस वगैरह का सीसेट कवर हो जाएगा, इसी में आपका एसएससी का सीजीएल कवर हो जाएगा, इसी में आपका एसएससी का सीएचएसएल कवर हो जाएगा, इसी में आपका एनटीपीसी कवर हो जाएगा। जहां भी मैथ पूछता है एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। हाँ, पीटी में भी मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।